और बड़ी खबर इस बीच है, डेंगू के बढ़ते मामलों पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है, सख्त हैं और डेंगू को लेकर आज सीएम योगी बैठक करेंगे। कुछ ही देर में सीएम योगी की बैठक होगी, अधिकारियों के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे। तो डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जिन लोगों को जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन करना है वो क्यों सो रहे हैं। सवाल ये है कि जो निर्देश मुख्यमंत्री दे रहे हैं क्या उनके पालन में कोताही बरती जा रही है, और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब निश्चित तौर से मुख्यमंत्री भी इन लोगों से लेंगे जो भी बैठक में शामिल होंगे। एक बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कुछ ही देर में सीएम योगी बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ सीएम योगी की यह बैठक होनी है। और सीधा सवाल होगा कि आखिर डेंगू रुक क्यों नहीं रहा है। हालांकि पहली बैठक के बाद तस्वीरें बीपी गंगा ने दिखाई थी कि किस तरीके से सर्किट हाउस जैसी हाई प्रोफाइल जगह जहां खुद डिप्टी सीएम मौजूद थे वहां तक पानी गंदा जमा हुआ था, छिड़काव नहीं था, तो अंदाजा तो लग गया था कि जमीन पर अफसर क्या कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से मुख्यमंत्री के सामने जवाब देना पड़ेगा और जवाब इनसे लिया जाना भी चाहिए, क्योंकि कागजों पर बड़ी बड़ी व्यवस्था की बातें हो रही हैं लेकिन डेंगू के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों की जान मुश्किल में पड़ रही है। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र के गरिमा गार्डन की गोशिया मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेकर धारा 144 का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद थाना टीला मोड़ क्षेत्र के गरिमा गार्डन की गोशिया मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेकर धारा 144 का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया, हालांकि इस पूरे मामले पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धारा 144 के तहत मामला दर्ज हुआ है। गरिमा गार्डन गोशिया मस्जिद के बाहर सड़क पर इन लोगों ने नमाज पढ़ी थी और इस मामले का संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। गाजियाबाद थाना टीला मोड़ क्षेत्र के गरिमा गार्डन गोशिया मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेकर धारा 144 का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद की जहां पर बीच सड़क पर नमाज पढ़ती गई थी और इसी का पुलिस ने संज्ञान लिया है और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला है। और बड़ी खबर माफिया मुख्तार से जुड़ी हुई आ रही है। ईडी के रडार पर माफिया मुख्तार के करीबी दो सांसद भी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बसपा के दो सांसद ईडी के रडार पर हैं। अब्बास अंसारी और सलजीर लदा से पूछताछ में नाम सामने आया है। दोनों सांसदों के बयान लेने की तैयारी अब ईडी कर रही है। सांसद अफजाल अंसारी और अतुल राय रडार पर आ गए हैं। मई महीने में अफजाल अंसारी का बयान दर्ज किया गया था। जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय का बयान अब ईडी ले सकती है। अतुल राय ने कारोबार और सियासत की शुरुआत मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़कर ही की थी और मुख्तार के परिवार और अतुल राय का कारोबार भी एक ही था। मुख्तार अंसारी के परिवार की कंपनी मोबाइल टावर लगाने का काम करती है जबकि अतुल राय की कंपनी मोबाइल टावर में तेल सप्लाई का काम करती है। ईडी को शक है कि अतुल राय की कंपनी भी मुख्तार के परिवार की बेनामी है और अतुल राय की कंपनी में अघोषित तौर पर मुख्तार के परिवार की हिस्सेदारी हो सकती है। हालांकि लोकसभा के दौरान मुख्तार के परिवार और अतुल राय की दूरियां बढ़ गई थी। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही थी, अंदाजा लगाया जा रहा था कि बड़े खुलासे हो सकते हैं, तो दो सांसदों का राडार पर आ जाना भी ये बड़ा खुलासा है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईडी की टीम अब तक मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों उसकी कस्टडी में हैं, दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इस बीच जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं पुख्ता तौर पर कि ईडी के रडार पर अब पूर्वांचल के दो सांसद भी आ गए हैं। इनमें से एक सांसद खुद मुख्तार के परिवार से है, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई है, गाजीपुर से सांसद है और ईडी की टीम 9 मई को प्रयागराज यूनिट में बुला करके उनसे पूछताछ कर चुकी है। कई घंटों तक पूछताछ की गई थी, बयान
दर्ज किया गया था। और दूसरे सांसद का नाम अतुल राय है। अतुल राय भी जो है मुख्तार अंसारी के परिवार के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उनके रिश्ते कुछ खराब जरूर हो गए थे, लेकिन ईडी की टीम को शक है कि ये जो रिश्तों में तलखी की बात की जा रही वो महज दिखावा है। दोनों के कारोबारी रिश्ते अब भी जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच अब भी आर्थिक लेन देन होता है। तो अतुल राय तो इन दिनों प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तो एक तरफ ईडी की टीम अफजाल अंसारी को समन जारी कर उन्हें दोबारा बुलाने की तैयारी में है, तो वही दूसरी तरफ जो है वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल जाकर अतुल राय का बयान दर्ज करने की तैयारी में भी है। और ईडी के सूत्रों का पुख्ता तौर पर यह दावा है कि अगर जांच में इन दोनों की भूमिका ज्यादा संदिग्ध नजर आती है, इन दोनों का रोल सामने आता है, तो ईडी ना सिर्फ बयान दर्ज करेगी बल्कि जरूरत पड़ने पर इनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। तो एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश है कि ईडी की जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तेज होता जा रहा है, और इस जांच के दायरे में कई सफेदपोश भी आते जा रहे हैं। अभी दो सांसदों के नाम सामने आ चुके हैं और जल्द ही कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मोइन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।